You are welcome to NM Creative Learning Channel. In this video, I am going to discuss the chapter Body Movements Class 6 Science. सबसे पहले आप जो यहाँ पर फिगर देख रहे हैं ये होता है स्केलेटन ये स्कल है ये स्कल है यहाँ पर ये शॉल्डर ब्लेड हैं, ये रिब्स हैं ये वाली ये बैकबोन है ये हिप बोन है जिनसे हिप्स बनते हैं और ये पूरा का पूरा जितने भी ये रिब्स हैं ये रिब केज है ये अपर लिम है ये लोअर लिम है, है अब हम देखते हैं इसमें से मेन डेफिनेशंस व्हाट इज मोमेंट मोमेंट क्या होता है द चेंजिंग पोजीशन ये मैं जो वर्ड्स हाईलाइट कर रही हूँ उनको बड़े ध्यान से देखिए आप द चेंजिंग पोजिशन पोजिशन चेंज होनी चाहिए किसकी ऑफ द बॉडी एंड एनी पार्ट ऑफ द बॉडी या तो पूरी बॉडी की या फिर बॉडी के किसी पार्ट की तो उसे ही मोवमेंट कहते हैं द मोमेंट्स आकर इन आर बॉडी मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर समय हमारी बॉडी में मोमेंट्स ही होते रहते हैं एग्जाम्पल वैन वी ब्रीथ जब हम सांस लेते हैं राइट right लिखते हैं चिव समथिंग कुछ चबाते हैं टर्न ओवर हेड, अपना सिर घुमाते हैं ब्लिंग अवर आइज या आई झपकते हैं ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मोमेंट्स अब जो मनुष्य का शरीर है जो बॉडी है। है, मोमेंट्स है, है, हैं बोन्स एंड मशल्स बोन्स होती हैं हमारे शरीर में हड्डियाँ होती हैं मसल्स होती हैं वर्क टुगेदर ये सात काम करती है मिल के टू कोज मोमेंट्स इन ह्यूमन्स आदमी में मोमेंट्स लाने के लिए मान लीजिए बोन्स पड़ी हैं वो जब तक मशल्स नहीं होंगे थोड़ा ना चलेंगे जैसे लकड़ी आपने कहीं पर डाल दी वैसे ही बोन्स पड़ी रहेंगी तो वो नहीं चलेंगी मशल्स उनके साथ होती हैं जो उन्हें मिलके वो दोनों काम करते हैं वैन वी वॉक यूजिंग अवर लेग्स जब अपने हम अपने लेग्स को यूज़ करके वॉक करते हैं वी मूव आवर होल बॉडी हम अपनी पूरी बॉडी को आगे चलाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर लोकोमोशन क्या होता है ये डेफिनेशन में आता है आपको याद होना चाहिए लोकोमोशन लोकोमोशन एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है इज द एबिलिटी ये एबिलिटी होती है क्षमता होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की ऑर्गेनिज्म में सभी जीवित आते हैं एनिमल्स भी बर्ड्स भी ह्यूमन बींग्स भी टू मूव और ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अपनी इसी एबिलिटी की वजह से ये सब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं बस ये एबिलिटी ही लोकोमोशन कहलाती है जैसे वॉकिंग रनिंग स्विमिंग फ्लाइंग एक्सेट्रा लोकोमोशन इज इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब होता है ज़रूरी फॉर सर्वाइवल जिंदा रहने के लिए लोकोमोशन बहुत ज़रूरी है एंड अलाउज ऑर्गेनिज्म टू एक्सप्लोर एंड इंटरेक्ट विद देयर एनवायमेंट और इसी की हेल्प से जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं चाहे एनिमल्स हैं चाहे बर्ड्स हैं चाहे है ह्यूमन है, बींग्स हैं वो अपने एनवायरमेंट को खोजते हैं और उससे इंट्रैक्ट करते हैं क्रिया किर्या प्रतिक्रिया करते हैं बोन्स ऑफ द बॉडी बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है हमें पता होना चाहिए ना हमारे शरीर में इतनी सारी बोन्स तो हैं क्या क्या है द स्केलेटन ऑफ आर बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स स्केलेटन क्या होता है बोन्स का बना हुआ होता है बोन्स क्या होते हैं हार्ट टिश्यूज जो बहुत ही हार्ड टिश्यू होते हैं वो बोन्स कहलाते हैं एंड कार्टिलेज कार्टिलेज क्या होते हैं सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं याद रखना बोन्स हार्ड टिश्यूज और कार्टिलेज सॉफ्ट टिश्यूज बोन इज द हार्ड स्ट्रक्चरल टिश्यू विच गिव शेप टू आवर बॉडी ये बोन ही होती हैं जो हमारी बॉडी को शेप देती हैं कोई टॉल है किसी के फीचर्स कैसे हैं वो सब बोन्स की वजह से होता है आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी बोन्स हमारी बॉडी में बहुत सारी बोन्स होती हैं कंसिस्ट का मतलब होता है हैज व्हाट आर जॉइंट्स ऑफ द बॉडी बॉडी में जॉइंट्स क्या होते हैं जॉइंट्स ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन याद रखिए इसको जॉइंट्स आर द प्लेसेस वो जगह होती है हमारी बॉडी में वह टू बोन्स मीट जहाँ दो बोन्स मिलती है जहां भी दो बोन्स मिल रही है ना बस समझिए वो जॉइंट है दे अलाउ अस टू मूव आवर लिम्स इससे लिम्स का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ बॉडी इससे हम अपने अंगों को मूव कर सकते हैं मेक ऑल शॉर्ट्स ऑफ मूवमेंट्स सारे प्रकार के मूवमेंट्स कर सकते हैं जैसे कि बेंडिंग झुकना ट्विस्टिंग मुड़ना टर्निंग टर्न लेना जॉइंट्स हेल्प टू होल्ड और बोन्स टुगेदर जॉइंट्स हमारी बोन्स को एक साथ होल्ड करके रखते हैं एंड मेक श्योर दे मूव स्मूथली एंड ईजीली और साथ में उन्हीं की हेल्प से हम स्मूथ तरीके से और इजी तरीके से मूव कर सकते हैं जॉइंट्स ऑल्सो प्रोवाइड स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी स्थिरता देते हैं एंड हेल्प टू प्रोटेक्ट अवर बोन्स फ्रॉम डैमेज और हमारे बोन्स को डैमेज होने से नुकसान होने से प्रोटेक्ट करते हैं बचाते हैं अब यहाँ पर देखिए ये पिक्चर बना के जॉइंट्स आपको बताए हैं आप देखते हैं कि फिक्स जॉइंट्स कौन से होते हैं फिक्स जॉइंट इस प्रकार से होते हैं ये फिगर फिक्स जॉइंट्स की है ये ये जो आप देख रहे हैं एक दूसरे के अंदर फिक्स होते हैं जो हमारा स्कल होता है खोपड़ी होती है स्कल उसमें यही वाले जॉइंट्स होते हैं इसीलिए सिर की हड्डी टूटती नहीं है क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग होती है हार्ड होती है और साथ में उसमें फिक्स जॉइंट होते हैं जो कभी निकलते नहीं हैं अब है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट समझिए एक, एक बॉल होती है बॉल की शेप की हड्डी होती है सॉकेट एक कटोरी समझ लो कटोरी जैसे होता है उसमें बस ये बॉल फिक्स की हुई होती है हिंज जॉइंट हिंज ये फिक्स हुआ हुआ होता है आपस में एक दूसरे के अंदर एडजस्ट फिक्स क्या कहें एडजस्ट हुआ होता है ये हिंज जॉइंट होता है इसमें पिक्चर देख सकते हैं ये वाली है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आप ये देख रहे हैं ये यहाँ है बॉल है ये और कटोरी को आप समझो जिसमें मैंने बताया बाउल होता है बाउल को उल्टा करके रखो तो ऐसी शेप बनेगी ना ऐसी बनेगी इसमें तो ये इस सॉकेट के अंदर बोन गई भी होती है ये होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आप इसे भूल नहीं पाएंगे कभी अगर ध्यान से देखेंगे तो फिर है हिन्न जॉइंट हिन्द जॉइंट इस प्रकार से होता है दो बोन मिलती हैं और वो इस प्रकार से यहाँ पर आपस में फिक्स हो जाती हैं जैसे कि हमारा ये भी हिन्न जॉइंट है एल्बो ये भी हिन्द जॉइंट है इसमें हम आगे पीछे चला सकते हैं अपने हाथ को तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है चलिए अब इनकी डेफिनेशन भी पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एंड बॉडी हेल्प अस टू कैरी डिफरेंट मोमेंट्स हम जॉइंट्स की वजह से अलग अलग डिफरेंट मोवमेंट कर सकते हैं एक्टिविटीज कर सकते हैं टू इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स दो प्रकार के इम्पॉर्टेंट जॉइंट्स होते हैं एक मूवेबल जिन्हें मूव कर सकते हैं और दूसरे फिक्स्ड मूएबल जॉइंट्स आर जॉइंट्स दैट अलाउ मूवमेंट बिटवीन टू बोन्स इन द बॉडी मूएबल जॉइंट्स वो होते हैं जो कि दो बोन्स के बीच में मूवमेंट करने देते हैं दे अलाउ टू बैंड हम उनसे बैंड कर सकते हैं झुका सकते हैं ट्विस्ट कर सकते हैं मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं मूएबल जॉइंट है स्मॉल स्पेस बिटवीन द बोन्स जो मूएबल जॉइंट्स होते हैं उनमें बोन्स के बीच में थोड़ी सी खाली जगह होती है विच आर सराउंडेड बाय कार्टिलेज और उस खाली जगह में कार्टिलेज होते हैं कार्टिलेज क्या बताया था सॉफ्ट टिश्यूज एंड लिगामेंट्स लिगामेंट्स होते हैं दैट अलाउ स्मूथ एंड कंट्रोल्ड मूमेंट्स जिससे हम स्मूथ तरीके से और कंट्रोल तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं एग्जाम्पल जैसे नी एल्बो शोल्डर हिप जॉइंट्स अब टाइप्स ऑफ मोएबल जॉइंट्स तीन प्रकार के मोएबल जॉइंट्स होते हैं एक होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स पिवोटल जॉइंट हिंज जॉइंट्स बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कैसे होते हैं ये भी आपको फिगर ये वाली अभी भी वहाँ पर आपने देखी थी बनी हुई है कि ये, ये बॉल है ये आ, उल्टा तरीके से बाउल आप समझ लीजिए सॉकेट इसे कहेंगे इसमें यह फिक्स होती है तो ये यहाँ पर दिखाया है ये आपकी हिप का जॉइंट है एल्बो भी होता है इसी प्रकार से इन दिस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स वन बोन इज बॉल शेप्ड। एक बोन हमेशा बॉल की शेप की होती है द अदर प्रोवाइड से होलो सॉकेट और दूसरे में खोखलापन होता है स्पेस होता है उसे ही जो कि बॉल शेप की तरह से होता है उसमें ये बोन फिक्स हो जाती है जो बॉल शेप्ड होती है वी स्टैंड अप अगर हम खड़े एंड मूव अवर लेग्स और अपनी लेग्स को सर्किल में घुमाएं वी विल फील दैट वी कैन रोटेट अवर लेग्स मेकिंग ए बिग सर्किल कि हम अपनी लेग्स को सर्किल बनाते हुए घुमा सकते हैं ऐसा केवल पॉसिबल किसमें होता है बॉल एंड सॉकेट पॉइंट में तो जहां जहां भी आप इस प्रकार से घुमा सकते हैं जैसे अपनी एल्बो को घुमा सकते हैं ये हुआ अपनी ले, नी को घुमा सकते हैं ये भी ऐसे हुआ पूरी ऊपर से पूरी लेग को भी घुमा सकते हैं तो हिप जॉइंट हुआ ये बात याद रखिए तो भूलेंगे नहीं आप दिस टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज प्रेजेंट इन अवर हिप जॉइंट्स एंड शोल्डर जॉइंट्स अब है पिवोटल जॉइंट्स पिवोटल जॉइंट्स में दो चीज़ें होती हैं अल्ना इसे अल्ना बोलते हैं और रेडियस ये अल्ना है और ये रेडियस है ये इस प्रकार से फिक्स किया हुआ होता है इसमें ये हाफ होता है आप देख रहे हैं ये हाफ है ऐसे इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द राउंडेड सरफेस ऑफ वन बोन इन दिस टाइप ऑफ joint, द राउंडेड सरफेस ऑफ वन बोन फिट्स into ring रिंग by बाय द अदर ये राउंडेड बोन है आपकी और ये रिंग की शेप है ये, ये रिंग की शेप है ये इसमें फिट हो जाती है एग्जाम्पल द जॉइंट ऑफ द नेक नेक हमारे जॉइंट भी ऐसा होता है और हेड यानी कि जो हमारा हेड होता है वो नेक उसमें इस प्रकार से सेट हो जाता है फिक्स हो जाता है अलाउज इट टू मूव फॉरवर्ड इससे हम ऐसे फॉरवर्ड मूव कर सकते हैं बैकवर्ड मूव कर सकते हैं टर्न head राइट और लेफ्ट राइट और लेफ्ट भी हम उसे टर्न कर सकते हैं इट अलाउज रोटेशनल मोमेंट्स इसमें केवल रोटेशनल मोमेंट्स होते हैं परमिटेड अब है्यूमेरस होता है ये आप देख रहे हैं ये ह्यूमेरस है ये और ये अलना है इसमें आप देख रहे हैं कि जो अलना है उसमें ये ह्यूमरस फिक्स हो जाता है तो ये हिंज जॉइंट बन जाता है ये इसमें क्या हुआ आप देख रहे हैं कि ये इसमें अलना है ये और ये ह्यूमरस है ये ये इसमें यहाँ पर आके सेट हो जाता है सम जॉइंट्स ऑफ़ ऑफर बॉडी मूव लाइक ए डोर ऑन इट सेंजेज कुछ हमारे जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो दरवाजे की तरह से मूव करते हैं आप देखें दरवाजा खोलते हैं बस ऐसे और ऐसे खुलता है तो वैसे काम करते हैं दी ज्वाइंट्स अलाउ मोमेंट ऑफ बोन्स इन ओनली वन डायरेक्शन ये कि जैसे आपका दरवाजा दरवा एक ही तरफ तो खुलता है ना तो बस ये एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं इधर फॉरवर्ड और बैकवर्ड्स डीज आर प्रजेंट इन द नी नी में होता है ये आप नी को आगे पीछे कर सकते हैं गोल तो घुमा सकते हैं लेकिन पूरा ऐसे नहीं उठा सकते ऊपर फिंगर जॉइंट्स होते हैं फिंगर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं लेकिन इन्हें साइड में नहीं घुमा सकते बस बैकवर्ड और फॉरवर्ड ही होता है जो भी ऐसा ही है अब होते हैं फिक्स जॉइंट्स फिक्स में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्कल का ये आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर ये शेप देख रहे हैं मैंने आपको उसमें पिक्चर में भी दिखाई थी ये ह्यूमन स्कल में होती है ये फिक्स जॉइंट्स हैं ये आ, वो, खुलते नहीं हैं इन सम जॉइंट्स द बोन्स आर फिक्स्ड टाइटली so इतना कस के वो होते हैं टाइटली फिक्स दैट दे कैन नॉट मूव एट ऑल वो जरा भी नहीं हिल सकते दी जॉइंट्स आर इमूवेबल इमूवेबल जो मूव ना कर सकें आई एम लगा के और मूव से पहले अपोजिट बन गया जो मूव ही ना कर सके जॉइंट विच अकर इन इनवर स्कल जो हमारे स्कल में होते हैं द प्लेट टाइप ऑफ बोन्स ऑफ आवर स्कल आर हेल्ड टुगेदर टाइटली विद सच जॉइंट्स हमारे जो हेड की बोन्स होती हैं प्लेट जैसी होती हैं और वो आपस में इसी प्रकार से उन्हें होल्ड किया हुआ होता है टाइटली अवर अपर जाय इज ऑल्सो फिक्स टू स्कल बोन अपर जायी का एग्जाम्पल है वो हमारे स्कल से अटैच्ड होता है विद द हेल्प ऑफ फिक्स जॉइंट फिक्स जॉइंट की हेल्प से एग्जाम्पल वेन वी यू ओपन योर माउथ वाइड जब आप जो बड़ा सा मुंह खोलते हो आप यू कैन मूव योर लोअर जॉ अवे फ्रॉम योर हेड आप अपने लोअर जॉ को अपने हेड से दूर लेके जाते हो अपर तो फिक्स ही रहता है वो जिस जगह नीचे वाला केवल हिलता है अभी ह्यूमन स्केलेटन ह्यूमन स्केलेटन क्या होता है ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है ह्यूमन स्केलेटन इज द इंटरनल फ्रेमवर्क ऑफ अर बॉडी हमारी बॉडी का अंदर का फ्रेम होता है इट इज मेड अप ऑफ बोन्स किससे बना हुआ होता है बोन से कार्टिलेज से बोन्स आपने पढ़ा हार्ड सबस्टेंस होता है हार्ड टिश्यू कार्टीले सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय जॉइंट्स जो कि जॉइंट्स के द्वारा एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं देर आर टू हंड्रेड सिक्स बोन्स इन द ह्यूमन स्केलेटन ह्यूमन स्केलेटन में टू हंड्रेड सिक्स बोन्स होती हैं एंड दे वर्क टूगेदर टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी टू आवर बॉडी वो हमारी बॉडी को सपोर्ट भी करती हैं और स्टेबिलिटी भी देती हैं स्केलेटन ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अवर इंटरनल ऑर्गेन्स हमारे बॉडी में बहुत सॉफ्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन जैसे हार्ट है हमारा ब्रेन है तो इन्हें भी प्रोटेक्ट करते हैं और मूव करने में भी हेल्प करते हैं स्केलेटन इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट और बॉडीज इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम बीमारियों से जो लड़ाई करने की क्षमता है उसका भी इम्पोर्टेंट पार्ट है एज इट कंटेन्स बोन मैरो क्योंकि इसमें बोन मैरो होती है विच प्रोड्यूस रेड एंड वाइट ब्लड सेल जिसमें कि ये दोनों सेल्स बनते हैं बोन्स ऑफ स्केलेटन द स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेरियस बोन्स स्केलेटन सिस्टम में बहुत सारी बोन्स होती हैं अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बोन्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहले स्कल इट इज़ द बोनी पार्ट ऑफ आवर हेड ये हमारे हेड का बोनी पार्ट होता है विच इज मेड अबाउट ट्वेंटी टू स्मॉल बोन्स इसमें कितनी बोन्स होती हैं ट्वेंटी टू दीज आर दार्डेस्ट बोन्स ऑवर बॉडी ये हमारी बॉडी के सबसे हार्ड बोन्स होती हैं सम ऑफ दीज फॉर्म क्रेनिम करेनियम यह क्रेनियम बनाती है एंड सम फॉर्म द फेशियल बोन्स और कुछ फेशियल फेस की बोन्स बनाती हैं ऑल द बोन्स ऑफ द स्कल एक्सेप्ट द लोअर जॉ आर फिक्स स्कल की केवल लोअर जॉ को छोड़ के क्योंकि वही मूव करता है जब अपना मुंह खोलते हैं नोज भी वहीं रहती है चीक्स भी वहीं रहते हैं तो बस केवल यही और सारी फिक्स होती हैं केवल यही मूवेबल है अब स्कल के फंक्शंस क्या होते हैं स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द सेंस ऑर्गेन जो हमारे सेंस ऑर्गेंस हैं आई ईयर्स नोज इन्हें भी प्रोटेक्ट करता है स्कल गिव शेप टू आवर फेस एंड हेड हमारे हेड और फेस को शेप देता है ये स्कल कंटेन द जा बोन जो हमारा जॉ होता है लोअर जा अपर जा यानी कि जिसे जबड़ा कहते हैं वो भी स्कल में होता है इट अलाउ जस्ट टू मूव अवर जॉज एंड बाइट एंड च्यू यही हमें जॉ को चलाने देता है बाइट करने में हेल्प करता है चिव करने में हेल्प करता है खाने को जो हम चीव करते हैं बोन्स इन द स्कल हेल्प ट्रांसमिट साउंड्स टू आवर इनर ईयर जो हमारा अंदर का कान है उसमें साउंड को पहुंचाता है कौन जो हमारे इस स्कल की बोन्स होती हैं विच इज़ ने फॉर हियरिंग जो सुनने के लिए जरूरी है एंड ऑल्सो हेल्प अस प्रोड्यूस स्पीच बाय वाइब्रेटिंग बेनविट टॉक जब हम बात करते हैं तो हमारी साउंड वाइब्रेट करती है जिससे कि आवाज़ पैदा होती है अब है रिब केज ये रिब केज आप देख रहे हैं यहाँ पर ये रिब केज है ये स्टैंडम में स्टैंडम है ये बीच में ये रिब्स हैं ये आप देख रहे हैं ये रिब्स हैं ये, ये वाली ये रिब्स हैं सारी ये।, ये सब रिब्स हैं जो और ये इनके बीच में कार्टिलेज होता है और ये स्टर्नम ये यहाँ पर रिब केज रिब केज इज मेड बोन्स कॉल्ड रिब्स रिब केज किससे बनता है रिब से बनता है दैट आर कनेक्टेड टू स्पाइन और ये स्पाइन से और ब्रेस्ट बोन से कनेक्टेड रहता है रिब्स आर कर्व्ड बोन्स ये आप देख रहे हैं ना ऐसे ऐसे जा रही हैं ऐसे पीछे को ऐसे ऐसे जा रही हैं ऐसे ऐसे तो ये कर्ड होती हैं चेस्ट के रीजन में होती हैं देर आर ट्वेल्व पेयर्स ट्वेल्व होती हैं ट्वेल्व इस साइड में और ट्वेल्व होती है इस साइड में ये विथ फोम में केज लाइक जिससे एक पिंजरा सा बन जाता है वन एंड ऑफ द बोन ज्वाइन द बैक बोन एक जो बोन का एंड है सिरा है वो बैक बोन से जुड़ा हुआ होता है जो दूसरा सिरा होता है वो ब्रेस्ट बोन से ब्रेस्ट बोन आगे होती है बैक बोन पीछे होती है एक उससे जुड़ा हुआ होता है अब रिब केज के फंक्शन क्या है फंक्शन का मतलब क्या होता है काम क्या है रिब केज प्रोटेक्ट्स वाइटल इंटरनल ऑर्गन्स वाइटल का मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। उन्हें प्रोटेक्ट करता है ये जैसे हमारा हार्ट है लंग्स है लीवर है इट टेक्स पार्ट इन अवर ब्रीदिंग मोमेंट्स अलॉन्ग विद द लंग्स लंग्स के साथ ये हमारे जो हम ब्रेथ करते हैं ब्रीदिंग में भी हिस्सा लेता है रिबकेज हेल्प सपोर्ट और अपर बॉडी एंड स्पाइन ये हमारी अपर बॉडी ऊपर का जो हिस्सा होता है बॉडी का और जो स्पाइन होती है उसे भी हेल्प करता है सपोर्ट देता है उसको रिबकेज हेल्प अस ब्रीथ बाय मूविंग अप एंड डाउन टू एक्सपेंड एंड कॉन्टेक्ट आवर लंग्स केज हमारे लंग्स को एक्सपेंड होने में कॉन्ट्रैक्ट होने में एक्सपेंड में फैलना कॉन्ट्रैक्ट का मतलब छोटा होना सिकुड़ना उसमें भी हेल्प करता है और ये फिर ऊपर नीचे होता है मतलब जब हम फैला लंग्स फैलते हैं तो ऊपर होता है आपकी चेस्ट बड़ी हो जाती है और जब आप आ, उसमें सांस अंदर से बाहर निकालते हैं तो तब ये समझिए कॉन्ट्रैक्ट होता है सिकुड़ता है बैकबोन रीढ़ की हड्डी में जिसे कहते हैं इसमें आ, वर्टीब्रा होते हैं ये सर्वाइकल वर, वर्टीब्रा है इसमें ये आप देख रहे हैं ये थोरेसिस वर्टीब्रा है ये यहाँ से यहाँ तक दी हुई है। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये जो यहाँ पर आप ये स्क्वायर की शेप में थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं ये सैक्रम है ये ये और जो ये नीचे जो टिप है ये कॉकसिक्स है और ये लुम्बर भर है ये वाली ये बैक बोन द बैकबोन इन द ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पाइन बैक बोन को ही स्पाइन भी कहते हैं बैक बोन इज़ चीज़ें लॉन्ग बैकबोन कैसी होती है लॉन्ग होती है लंबी होलो खोखली होती है अंदर से रोड जैसी होती है स्ट्रक्चर में रनिंग फ्रॉम नेक टू द हिप्स नेक से लेकर हिप्स तक चलती है इट इज मेड ऑफ़ थर्टी थ्री स्मॉल बोन्स इसमें कितनी बोन होती हैं थर्टी थ्री प्लेस ओवर इच अदर एक दूसरे के ऊपर रखी होती हैं इच स्मॉल बोन इज कॉल्ड वर्टिब्रे हर बोन को वर्टिब्रे कहते हैं बिटवीन द वेरियस वर्टिब्रे ऑफ द बैक बोन आर द डिस्क ऑफ द कार्टिलेज कार्टिलेज शुरू बताया था कि सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनकी डिस्क होती हैं हर एक वर्टिब्रा के बीच में विच अलाउज द वर्टी टू मूव स्लाइटली जिससे कि वर्टी ब्र स्लाइटली हल्के से मूव करें द बैक बोन टू बैंड फॉरवर्ड और उसी की हेल्प से बैक बोन आगे को बैंड होती है और डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ उसी की हेल्प से आप झुक पाते हैं आप फंक्शंस ऑफ बैक बोन फंक्शन का मतलब क्या है काम बैक बोन के काम क्या होते हैं प्रोवाइड सपोर्ट पहला काम तो यही है कि यह सपोर्ट देती है द बैक बोन प्रोवाइड सपोर्ट फॉर हैड हेड को नेक को अपर बॉडी को बाई हेल्पिंग टू कीप द बॉडी अपराइट इसी की वजह से हमारी बॉडी अपराइट मतलब बिल्कुल सीधी रहती है और बैलेंस रहती है प्रोवाइड प्रोटेक्शन दूसरा काम है प्रोटेक्शन देना बैक बोन प्रोटेक्ट द स्पाइनल कोड इस बैक बोन के अंदर से आपने पढ़ा भी होलो होती है खोखले उसके अंदर से जाती है इस्पाइनल कोड विच इज ए बंडल और नर्व्स इसमें बहुत सारी नर्व्स होती है नर्व्स का बंडल है ये दैट कैरीज मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी आप ये समझो कि ये मैसेंजर का, का काम करती है आपके पाँव में चीटी ने काट लिया एंट ने काट लिया तो कौन मैसेज लेके जाएगा स्पाइनल कोड लेके जाती है वो मैसेंजर है हमारी बॉडी का मूवमेंट uh, uh, करने में हेल्प करती है तीसरा फंक्शन ये है बैकबोन अलाउ द बॉडी टू बैंड इसकी वजह से हम बैंड कर पाते हैं झुक पाते हैं ट्विस्ट मुड़ पाते हैं मूव आर बॉडी इन डिफरेंट डायरेक्शंस अलग अलग डायरेक्शन में अपनी बॉडी को मूव कर पाते हैं इट अलाउ द बॉडी टू परफॉर्म ए वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स बहुत सारे मूवमेंट हम कर पाते हैं नेक्स्ट है शॉक एब्जॉर्बशन अगर आपको एकदम से कोई धक्का लगता है तो उसे भी ये एब्जॉर्ब कर देती है बैकबोन एक्सरसाइजेज शॉक एब्जॉर्बर जैसे गद्दी होती है ना गद्दी में आप गिरो तो आपको कम चोट लगती है क्योंकि वो सारे शौक़ को गद्दी एब्जॉर्ब कर लेती है क्वेशन एब्जॉर्ब कर लेती है ये भी इस तरीके से ही है इट हेल्प टू एब्जोर्व द इम्पैक्ट ऑफ जंपिंग जब आप जंपिंग करते हैं रनिंग करते हैं या कोई और फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं एकदम से धक्का लगता है तो ये उस शौक़ को एब्जॉर्ब कर लेती है आपके जो मेन ऑर्गन्स हैं हार्ट है लंग्स है वो इससे प्रभावित नहीं होते हैं मतलब ये चूँकि जो हमारी बैकबोन होती है वो हमारे जितने भी हमारी जो बैक होती है सबसे मजबूत होती है तो ये हम उन सबको प्रोटेक्ट करती है शोल्डर आम्स और शोल्डर बोन्स आर्म्स और बॉडी आर अटैच टू अवर शोल्डर्स जो हमारी बहाँ की आर्म्स होती हैं वो हमारे शोल्डर से अटैच होती हैं आर टू शोल्डर बोन दो शोल्डर बोन होती हैं एक होती है कोलर बोन एक होती है शोल्डर ब्लेड्स द अपर आर्म फिट्स इन टू द सॉकेट ऑफ द शोल्डर जो हमारी अपर आर्म होती है वो शोल्डर ब्लेड के सॉकेट में अभी सॉकेट आपको बॉल एंड सॉकेट वो दिखाया था कि अंदर उल्टा बाउल टाइप होता है कटोरी टाइप होता है उसमें फिक्स हो जाती है ये बॉल वाली जो बोन होती है फॉर्मिंग बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और शोल्डर बोन के फंक्शंस क्या हैं इसके फंक्शन है ऑलर बोनस ऑन द टू साइड्स ऑफ द नेक कीप और शोल्डर अपार्ट जो कोलर बोन होती है उससे हमारे कंधे अलग अलग रहते हैं शोल्डर ब्लेड अटैच द आर्म्स और बॉडी शोल्डर ब्लेड की हेल्प से आपकी जो बाहें हैं वो आपकी बॉडी से अटैच रहती हैं नहीं तो अलग ही होती बिल्कुल लटकी हुई शोल्डर ब्लेड प्रोवाइड साइट्स फॉर मशल अटैचमेंट शोल्डर ब्लेड में दूसरे मशल अटैचमेंट भी होते हैं बिच मूव द आर्म जिसकी वजह से आप अपने आर्म्स नेक अपर पार्ट को मूव कर पाते हैं अब है पैल्विक बोन्स द पैलविक बोन फॉर्म्स से लार्ज बेसिन शेप्ड फ्रेमवर्क जैसे बेसिन होता है वॉश बेसिन होता है उस तरह की ये होता है एक फ्रेम एट द लोअर एंड ऑफ द बैक बोन बैक बोन के लोअर एंड में टू विद द लेग्स आर अटैच उससे लेग्स हमारी अटैच होती हैं द पेल्विक बोन इज ऑल्सो नोन एज हिप बोन पेल्विक बोन को ही हिप बोन भी कहते हैं दिस बोन एनक्लोज द पोर्शन ऑफ द बॉडी बिलो द स्टमक जो हमारे स्टमक से नीचे का हमारा शरीर होता है ये उसको क्लोज करती है उसके चारों तरफ घेरा बनाती है इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ आर स्केलेटन विदिटन ये हमारे उस पार्ट का हिस्सा है स्केलेटन के जिसकी वजह से हम बैठ पाते हैं फंक्शंस ऑफ द पेल्विक बोन्स पैल्विक बोन्स प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द लोअर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ये हमारी बॉडी के जो लोअर ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती है और सपोर्ट करती है जैसे इंटेस्टाइन है यूरिनरी ब्लेडर है इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स है सबको इट अटैच द लेग्स टू और बॉडी जैसे जो शोल्डर uh, ब्लेड होते हैं वो आर्म्स को अटैच करते हैं और ये हमारी लेग्स को अटैच करती है इट प्रोवाइड साइट फॉर द अटैचमेंट ऑफ मशल्स ये साथ में मशल्स को अटैचमेंट करने की जगह भी देती है जैसे दैट मूव ओवर लेग जो हमारी लेग्स को चलाते हैं हिप को और ट्रंक को आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी इसमें और कुछ थोड़ी बॉन्स और हमें आपको समझानी है वो नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए और वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए थैंक्स ए लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो